एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग ये देखने आएंगे कि हम किस चीज का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, ये शब्द थे एंटोनियो गाडियो के, जो सग्रेदा फैमिलिया चर्च के आर्किटेक्ट थे, और उनके शब्द शायद भगवान को इतने पसंद आए कि इस चर्च को बनने में अब तक तकरीबन 137 साल लग चुके हैं, और अभी भी एक अनुमान है कि ये 2026 तक बनके तैयार हो जाएगी। पर ये किस चीज का निर्माण हो रहा है, इसको देखने के लिए हर साल तकरीबन 40 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। आपको पता है ताजमहल को बनने में कितना समय लगा था? तकरीबन 22 साल। उस समय ताजमहल को बनाने में तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। आज की तारीख में अगर ताजमहल जैसा एक आर्किटेक्चर बनाना चाहें आप, तो उसमें 6.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। आपको पता है गीजा पिरामिड को बनाने में कितना समय लगा था? तकरीबन 80 साल। इस चर्च को बनने में अब तक 137 साल तो लग ही चुके हैं, और अनुमान के मुताबिक 2026 तक ये बनके तैयार हो सकती है। उसके बावजूद ये चर्च 200 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाती है। इस चर्च का काम हाल ही में फिर से शुरू किया गया है। इस चर्च का काम ना शुरू होने की क्या वजह थी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बार्सिलोना म्यूनिसिपल को इस चर्च की तरफ से अब तक एक भी रुपया नहीं मिला था। 19 मार्च 1882 में इस चर्च का पहला पत्थर रखा गया था। तब से लेके अब तक बार्सिलोना म्यूनिसिपल को इस चर्च की तरफ से कुछ भी नहीं मिला था, और म्यूनिसिपल को तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। आप भी जब घर बनाते हैं तो उसमें म्यूनिसिपल को टैक्स या कुछ और अमाउंट जरूर दिया करते हैं। इसी वजह से इस चर्च का काम हाल ही में रोक दिया गया था। अंत में इस चर्च ने बार्सिलोना म्यूनिसिपल को 300 करोड़ रुपए का टैक्स मान ले या फाइन मान ले वो दिया। उसके बाद इस चर्च का काम अब शुरू हो चुका है। 19वीं शताब्दी में एक किताब बेचने वाले ने एक चर्च को बनाने की इच्छा जताई। इसके लिए एक आर्किटेक्ट को हायर भी किया गया, हालांकि किसी वजह से यह आर्किटेक्ट एक महीने बाद ही काम छोड़कर चला गया। इसके बाद एक 31 साल के नौजवान आर्किटेक्ट एंटोनियो गाडियो को इस चर्च को बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इतनी यंग एज में भी उनकी जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी वो आज के किसी भी आर्किटेक्ट से कहीं ज्यादा आगे थी। वो सेंचुरीज अहेड थे अपने काम में। उन्होंने इस चर्च के लिए 3 चीजों का सहारा लिया, एक बाइबल, एक लिटर्जी और तीसरी थी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इस चर्च में आपको देखने को मिल सकता है। उनका ये मानना था कि अगर आपको भगवान के पास जाना है तो टेम्पल फॉरेस्ट की तरह बना होना चाहिए। इसीलिए आपको चर्च के अंदर जो पिलर्स हैं वो ट्रीज की शेप में मिलेंगे। ये चर्च अपने आप में बेहतरीन डिजाइन है, इसको मैं वर्ड्स में आपको समझा नहीं सकता। उम्मीद करता हूं ये चर्च एक दिन पूरी हो और आप और हम भी इसे देखने जाएं। ये एक संरचना है एक डिजाइनर की, जिसने मरने के बाद भी अपने काम को ही महत्व दिया। ऐसा महत्व कि आज भी उन्हीं के डिजाइन पे इस चर्च को बनाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर कंप्यूटर्स ना होते तो शायद इसे रीडिजाइन नहीं किया जाता, क्योंकि 1936 में स्पेनिश सिविल वॉर की वजह से इस चर्च का काफी नुकसान हुआ था और जितने भी डिजाइन थे वो खत्म हो गए थे। उस कमरे में आग लग गई थी जो एंटोनियो गाडियो का था, और सारे के सारे डिजाइन खत्म हो चुके थे। 1926 में, यानी कि उसे 10 साल पहले ही एंटोनियो गाडियो की मौत हो चुकी थी। इसी वजह से 2026 में, यानी कि एंटोनियो गाडियो के 100 साल मौत के पूरे होने पर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इस चर्च का काम पूरा हो जाएगा। पर ये चर्च अपने आप में बेहतरीन डिजाइन है। आई मीन लिटर्जी का मतलब ये होता है कि पूजा करने की जगह या कोई ऐसी जगह जहां आप मरने के बाद पहुंचते हैं, वो डिजाइन इस चर्च में दिया गया है। इस चर्च को देखने वाले कहते हैं कि ये हेवन है, 7th वंडर नहीं, ये वंडर्स ऑफ वंडर है। 2010 में पोप ने इसे बेसिलिका ऑफ सग्रादा फैमिलिया, यानी कि कैथोलिक आर्किटेक्चर का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट औहदा दिया, जिसकी वजह से अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। यूनेस्को की एक हेरिटेज भी है। ये बनती ही जा रही है, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शुरुआत तो एक गॉथिक चर्च से की गई थी, पर एंटोनियो गाडियो ने इसे गॉड्स प्लेस का नाम दिया है। इस चर्च को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश भी की। ये चर्च 2 विश्व युद्ध तक देख चुकी है, मतलब इस चर्च का काम रुकना तो लगभग तय था। फिलहाल इसका काम 65% पूरा हो चुका है। 137 साल में इसका काम 65% पूरा हुआ है। अब पता नहीं कैसे इसका काम अगले 2026 तक, यानी कि आने वाले सालों में पूरा कैसे होगा, ये तो जो चर्च के आर्किटेक्ट्स हैं फिलहाल वो ही जानते होंगे।
अब उम्मीद करते हैं कि ये चर्च जल्दी से बनके तैयार हो जाए, क्योंकि इस चर्च से जितनी कमाई अभी होती है, अगर 2026 में ये चर्च बनके तैयार हो गई तो जो पहला दिन होगा, जो इनॉग्रेशन दिन होगा इसका, बहुत सारे टूरिस्ट इस दिन आने वाले हैं। इस चर्च को रिकॉर्ड तोड़ इनकम होने वाली है और रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इसे देखने आने वाले हैं। इस चर्च को बनाने की जिसने इच्छा जताई थी, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि ये चर्च भगवान के लिए बन रही है, ये टेम्पल भगवान के लिए बन रहा है और भगवान के पास बहुत समय है, इसी वजह से शायद इसे पूरा करने में इतना समय लग गया। अभी भी ये पूरी नहीं हुई है और उम्मीद करते हैं जल्द ही पूरी हो जाएगी। मैं हूँ वरुण अवस्थी, बिज़ तक देखने के लिए धन्यवाद।